हाँ जी, तो देखिए मेरा नाम प्रमोद और आज हम बात करने वाले NMDC के लिमिटेड के बारे में। तो स्टॉक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, जो इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है एक नेगेटिव न्यूज़ की वजह से, साथ में इसके रिजल्ट्स के बारे में भी देखने को आज मिली है, इस वजह से इसके अंदर गिरावट हो सकती है। तो आपको पहले बताना चाहूँगा, आज इस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, साथ ही में देखेंगे जो गिरावट है उससे क्या उछाल मिलेगा या गिरावट कंटिन्यू रहेगी। तो पहले बता दूँ, जो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। अगर न्यूज़ बेसिस पे देखा जाए स्टॉक को तो आपको देखने को मिलेगा टॉप वॉच के अंदर भी इसका नाम है, अगर आप देखें इस बिजनेस टुडे में। साथ ही में आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट बढ़ा दिया है, 220 का कर दिया है, और जो NMDC वो प्रॉफिट के अंदर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। हाँ सही सुन रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो फिर स्टॉक के अंदर क्यों गिरावट है, तो वो कुछ पलों की है, आपको दिखेगा आने वाले हफ्ते में बड़ा प्रॉफिट आप देख सकते हैं। बोर्ड हायर सेल्स एंड हायर प्राइस ऑफ स्टील मेकिंग रॉक कंपनी NMDC टर्नओवर टू 2362% टू 6512 करोड़ ड्यूरिंग अ रिपोर्टिंग क्वार्टर ऑफ 13938 कर, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में 236% बढ़ोतरी हुई है, बहुत ही गजब बढ़ोतरी है। आप देखिए तो पिछली बार कोविड था इस वजह से, लेकिन इस बार जो आपको इम्पैक्ट दिखा इतनी 500% प्रॉफिट के अंदर उछाल आए, क्या वो उछाल बन सकता है? क्योंकि इतने टाइम से आप देख सकते हैं वो उछाल होने के बावजूद भी आज के दिन गिरा, आप देख सकते हैं सभी कंपनियों ने बताया, मतलब सभी वेबसाइट्स ने बताया कि हाँ बहुत ही अच्छा बढ़िया उछाल बना है तो कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन रह क्यों नहीं रहा? तो ओवरऑल जो आप देखें, अगर स्टॉक को इतने दिन से तो जो गिरावट थी उससे कमबैक करके उठा ही था स्टॉक, और ये जो पॉजिटिव न्यूज़ आई है इसके लिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। महीने भर में पॉजिटिव रहा, 6 महीने में 50%, और 1 साल में तो बहुत बढ़िया रिटर्न दिए हैं 84%, और अगर 5 साल की बात करें 57%। मैक्स में ज़रूर गिरावट रही क्योंकि स्टॉक कभी आया था जब 400-500 टच करा था, लेकिन फिर नहीं कर पाया 500 टच, उसके बाद 500 टच नहीं कर पाया, आप देख सकते हैं इसके बाद गिरावट में ही रहा स्टॉक। लेकिन अभी कुछ टाइम में जहाँ इसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और मतलब इतनी बड़ी वो आई है रिजल्ट, तो उस वजह से इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में देख पाएगा। आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल भी बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं स्टॉक के ऊपर, और रेवेन्यू में आप देख सकते हैं मार्च वाला इतना बढ़िया था तो इस बार तो बहुत ही ज़्यादा ही बढ़िया आया है, दिसंबर वाले बढ़िया रहा, सितंबर वाला ओवरऑल देखें तो इस बार जो 3 क्वार्टर आए हैं बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। तो ओवरऑल आगे की लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक, तो आज का वीडियो इतना ही था, अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।